नौ नन्हे पक्षी। एक बार की बात है, एक मुर्गा और एक मुर्गी जंगल में रहते थे। दोनों एक साथ खाना खाते, दाना चुगने जाते और शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन वो दोनों बहुत खुश थे। मुर्गी ने 9 अंडे जो दिए थे, मुर्गी अंडों पर बैठकर उन्हें सेती और मुर्गा खाना लाकर उसे दे देता। मुर्गा मुर्गी से कहता, लो मेरी मुर्गी, खाना खा लो, जल्दी ही हम पापा मम्मी बन जाएंगे। रोज की तरह दोनों ने खाना खाया और मुर्गी बोली, अजी सुनते हो, तुम अंडों की रखवाली करो, मैं पानी पी के आती हूँ। ये कहकर मुर्गी ठुमक ठुमक कर चल दी तालाब की ओर। जब मुर्गी तालाब पर पानी पी रही थी, तभी तेज आंधी आने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, चीजें यहां से वहां उड़ रही थी। और ये क्या, उनका घोंसला टूट गया, 8 अंडे नीचे लुढ़क कर टूट गए। बस घोंसले में सिर्फ 1 अंडा बचा रहा। मुर्गा बहुत उदास हो गया। अरे मैं मुर्गी को क्या जवाब दूंगा, सारे अंडे टूट गए, मैं अंडे कहाँ से लाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अंडे कहाँ से लाऊं। परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। तभी उसे एक अंडा दिखाई दिया। अंडा, एक और अंडा। फिर क्या था, मुर्गा खुशी खुशी आगे दौड़ा। उसने यहाँ से 1 अंडा उठाया, वहाँ से 1 अंडा उठाया और पूरे 8 अंडे जमा कर लिए। उसने सारे अंडे पहले जैसे सजाकर रख दिए। अब मुर्गा बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद मुर्गी पानी पीकर वापस लौट आई। मेरे अंडे। घबराई हुई मुर्गी ने यहाँ वहाँ देखा और 9 अंडों को घोंसले में देखकर चैन की सांस ली। शुक्र है, इतने तूफान में भी मेरे अंडे बच गए। मुर्गी की घबराहट कुछ कम हुई। दिन बीतते गए।
अंडों में से बच्चे निकलने लगे, पर उनकी आवाजें अलग अलग थी। एक दिन मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि अपने परिवार को दाना चुगने के लिए तालाब के पास ले जाया जाए। उस तालाब में बत्तखें तैर रही थी। तभी बत्तखों की बुआ ने आवाज लगा दी, क्वैक 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 क्वैक, बत्तख बेटा इधर आओ। और ये क्या? नौ में से दो बच्चे क्वैक क्वैक करते हुए तालाब में उतर कर तैरने लगे, क्वैक 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 क्वैक, और होलिए बत्तखों के साथ। मुर्गी हैरान हो उठी और बोली, अरे वो बत्तख के बच्चे थे। तालाब के पास एक पेड़ पर कुछ कौवे काव काव कर रहे थे। और फिर क्या था? कौवे के मामा ने आवाज लगा दी, काव काव, कौवे बेटा यहाँ आओ। तभी उनमें से लंबी चोंच और काले रंग वाला बच्चा उड़ चला कौओं के साथ, काव 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 काव। मुर्गी उसे देखते ही हैरानी से बोली, वो कौवे का बच्चा था। मुर्गी उदास मन से आगे चल दी। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने तोतों का एक झुंड देखा जो खाने के लिए उड़ रहा था। तभी तोतों की मौसी ने आवाज दे दी, टे, 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 तोते बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। और लाल चोंच वाला हरे पंखों वाला बच्चा फुर्र करता हुआ उनके साथ हो लिया। एक और बच्चा चला गया था। अब तो मुर्गी बहुत परेशान हो गई। वो तोते का बच्चा था। मुर्गा मुर्गी परेशान मन से घर की ओर चल दिए। रास्ते में पेड़ पर उन्हें कुछ कबूतर बैठे मिले। कबूतर की नानी ने झट से आवाज लगा दी, कबूतर बेटा इधर आओ, इधर आओ। अब एक और बच्चा उड़ गया। मुर्गी तो मानो रो ही पड़ी। वो कबूतर का बच्चा था। मुर्गी की ये बात एक कोयल ने सुन ली। उसने भी अपने बच्चे को आवाज दे दी, कोयल बेटा, कोयल बेटा इधर आओ, कोयल बेटा इधर आओ। और कोयल का बच्चा भी अपनी मम्मी के साथ चला गया। कु-कु-कु-कु-कु-कु। मुर्गी ने फिर वही कहा, क्या वो कोयल का बच्चा था। मुर्गी ने मुर्गी से कहा, चुप हो जाओ, चलो चलो घर चलते हैं, शाम हो गई है, चलो चलो ना घर चलते हैं। मुर्गा भी काफी घबराया हुआ था।
शाम घिर आई थी, आकाश में बादल छा गए थे, गड़गड़ाहट हो रही थी और बारिश भी होने वाली थी। उनमें से एक बच्चा पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगा। मुर्गी डर कर बोली, वो मोर का बच्चा था। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो चलो घर चलते हैं, चलो। मुर्गे ने मुर्गी को तसल्ली दी और वो दोनों घर चले गए। होने लगी थी, अंधेरा भी हो गया था और मुर्गा मुर्गी के पास दो बच्चे रह गए थे। अंधेरा होते ही पेड़ की कोठर से आवाज आई। तभी गोल आंखों वाला एक बच्चा अंधेरे में उड़ गया। मुर्गी मुर्गी से रोते हुए बोली, वो उल्लू का बच्चा था। सिर्फ एक बच्चा कहीं नहीं गया था। थोड़ी देर बाद वो बोल पड़ा, ये आवाज सुनते ही मुर्गा मुर्गी एक साथ खुशी से बोल पड़े, यही है हमारा चूजा। नौ नन्हे पक्षी।